नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर रांची में मंगलवार को आयोजित पत्रकारों के सेमिनार से संबंधित है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का महत्वपूर्ण बैठक एवं सेमिनार रांची के पुराने विधानसभा के सभागार में संपन्न हुआ। संस्थापक सदस्य शाहनवाज हसन के लगातार प्रयास से ये संगठन दिनों दिन होता जा रहा है मजबूत। ये संगठन पत्रकारों के हित के लिए लगातार संघर्षरत रहा है। पत्रकारों पर हुए झूठे मुकदमे, पत्रकारों पर हुए हमले पर हमेशा कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित सरकार से बात करते हुए न्याय दिलाने का काम किया है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता एवं चुनौतियां विषय पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो पहुँचे। उद्घाटनकर्ता के रूप में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मुख्य वक्ता के रूप में विधायक सरयू राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक अनंत कुमार ओझा उपस्थित थे, जिन्होंने पत्रकारों से सुरक्षा एवं उनके बेहतरीन को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष सहित वक्ताओं ने और क्या क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक रांची। डिजिटल मीडिया के संबंध में आज की डिजिटल मीडिया की कितनी विश्वसनीयता है, क्या है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा बहुत छोटे शब्दों में कि आज के दिन में अब किसी भी विषय का एक पहलू होता है जो सकारात्मक और एक नकारात्मक, तो डिजिटल मीडिया के भी दो पहलू हम मानेंगे कि डिजिटल मीडिया आज के दिन में काफी कम समय में बहुत अधिक लोगों तक पहुंच पाता है, लेकिन इसके साथ ही एक इसका दूसरा पहलू भी है कि जितना आज डिजिटल मीडिया आप जाए तो देखेंगे कि कहीं भी हम लोग भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उन कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उनके गिने चुने प्रतिनिधि होते हैं और एक हुजूम होता है डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों का, और इसके बहुत सारे नॉर्म्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सारे नॉर्म जितने भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं ये सारे नॉर्म्स का अनुपालन करते हुए डिजिटल मीडिया का संचालन करते हैं। काफी अच्छी बात है कि इसके माध्यम से हमें बहुत कम समय में और लाखों लोगों तक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू यह भी है कि डिजिटल मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और भी कारणों से बहुत सारे फेक न्यूज भी डिजिटल मीडिया पर, जिसके बाद में पता चलता है कि ये न्यूज फेक था। बहुत अच्छी है कि पौराणिक काल में देवर्षि नारद की भूमिका के रूप में महाभारत काल में हम सब लोगों ने देखा है, ये डिजिटल हम सब आज कह रहे जरूर रहे हैं, लेकिन महाभारत काल में संजय जी ने भी उस भूमिका को दिखाया है। और आज वहां से चलते चलते मैं जिस इलाके से आता हूं वो इलाका यहां से भी अंतिम छोर पर है, जब बिहार था तो बिहार के अभी अंतिम छोर पर था। और मैं इसलिए इस बात को आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह दौर था कि जब हम लोग एक गुरुदत्त की जी की पुस्तक उपन्यास है देश की हत्या, उस उपन्यास को जिन किसी साथी ने पढ़ा होगा आपको ध्यान में होगा कि उन्होंने एक राजनीतिज्ञों के बारे में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में कैसे उसके अंदर अखबार पढ़ने की बेचैनी होती है उसके बारे में उल्लेख किया है। वह उल्लेख चलते चलते हम सब इसलिए बोला कि अंतिम छोर में है कि मैं जिस जिले से आता हूं कि हमारे यहां उस समय पटना से लगभग सारे रांची एक्सप्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे अखबार पटना से छपते थे, और रात होते होते सुबह अखबार छपते थे, पटना के लोगों को समाचार मिलता था, और वह समाचार चलते चलते ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन थी वो चलते चलते शाम के समय में हम सब हमारे जैसे ऐसे जिनके मन में राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों में उनकी थोड़ी संवेदनशीलता रहती थी वो शाम में इंतजार करते थे कि शाम में ब्रह्मपुत्रा में आती थी 5 बजे 5:30 बजे
और उधर से कलकत्ता से आनंद बाजार एशियानेट टेलीग्राफ ऐसे अखबार आते थे और आकर के सामने वो समाचार पढ़ने को मिलता था। आज हम जिस दौर के साथ बैठे हैं, जिस पीढ़ी के साथ बैठे हैं, जिस विधा को लेकर के चर्चा करने बैठे हैं कि आज के दौर में हर एक आम आदमी भी अपने आप को स्वयं को पत्रकार के भूमिका में ला करके खड़ा किया है, हर एक आम आदमी। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि मुझे क्षमा करते हुए कि आज वो जिस दौर में हम इकट्ठा हुए हैं कि अब जो वायरल खबरें हैं, जो कोई गांव के किसी कस्बे से किसी टोले में, डिजिटल मीडिया शब्द कैसे आ गया, कैसे विकसित हुआ डिजिटल मीडिया। सबके पास मोबाइल है, उसमें डिक्शनरी होगी, डिजिट का आप देखेंगे कि डिजिट का मतलब क्या होता है। कई एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और कोई भी अर्थ बिल्कुल मुझे समीचीन नहीं लग रहा है कि इसको डिजिटल मीडिया अब तक हम कहते रहे हैं, आगे कहते रहेंगे, क्योंकि यह एक रूढ़ शब्द हो गया है। इसको कहने से एक खास प्रकार की ध्वनि हम सभी के मन मस्तिष्क में आती है और कहें तो ये नेट मीडिया है या कंप्यूटर मीडिया है। कंप्यूटर का इजाद हुआ, इंटरनेट का जो पहला युग था उसमें लोग इसका उपयोग करना आरंभ किए। बाद में जब विंडो आ गया तो एक साथ कई खिड़कियां खोलकर हम कई काम करने के आदि हो गए और इसी का विकसित स्वरूप जब पत्रकारिता में शामिल हुआ तो इसको एक मीडिया के रूप में हम विचार का विषय बना रहे हैं। मैं देख रहा था कल परसों इतिहास क्या है डिजिटल मीडिया का, तो बहुत आरंभिक स्टेज में 1970 से ही आरंभ हो गया नेट टेक्स्ट के माध्यम से। ये सारी चीजें हम लोगों के सामने इंटरनेट पर गूगल पर अवेलेबल हैं, इसलिए उसके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा। उसके बाद इसका परिष्कृत स्वरूप 1993 से आया और उस समय ही कंप्यूटर में खिड़की युग भी आया, विंडो का भी युग आया था। तब से लगातार इसका विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है और इसके जो भी स्वरूप आ रहे हैं, एक व्यक्ति के नाते, एक पत्रकार के नाते, हम अपने पेशा में, अपनी विधा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। के खिलाफ अगर दो कलम उठा के दो लाइन लिख दिया अखबार में और छप गया तो ये भी आपके लिए आप, फिर दूसरे समय से टेलीफोन से आपके संपादक महोदय या आप तक टेलीफोन पहुंचना शुरू हो गया कि तुम ये बात कहां से लिखा, यानी प्रभावशाली व्यक्तियों के को प्रभाजन भी आपको होना पड़ता है। यह स्थिति से पत्रकार और पत्रकारिता जगत गुजरते हैं। इसलिए हम समझते हैं अगर स्वतंत्र पत्रकारिता का जहां बात आता है और स्वतंत्र पत्रकार के साथ इतना ज्यादा शोषण जब है तो मैं नहीं समझता कि इनको स्वतंत्रता पत्रकारिता में स्वतंत्रता लाने के लिए बहुत कष्ट होगा उनको। इसलिए आज हो या कल हमारा इस पत्रकारिता जगत के प्रति सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने बता दो कल भी, कल नहीं परसों एक क्रिकेट खेला आप लोगों के एसोसिएशन के माध्यम में था, मैं उसमें भी जाने का काम किया और लोगों ने हमारे समक्ष एक विषय को रखे, संजीव बाबू आपसे शेयर करते हैं, मुझे समर्थन करना है इसमें। एक जैसे छत्तीसगढ़ अगरा में कुछ कुछ प्रावधान है कि कोई पत्रकार के साथ अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना अगर घट गया तो उस पत्रकार जगत के जो लोग हैं संपादक लोग, उनके उच्च अधिकारी लोग, उनके समक्ष खाली सहानुभूति और संवेदना लेकर के न जाए, सहानुभूति और संवेदना से उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वह भी वहां जाए तो कुछ सहयोग राशि लेकर वहां जाए और इस सहयोग राशि बनाने के क्रम में मैंने अपने तरफ से सहयोग देने की बात भी उनके बीच में रखा और मैं अपने विधानसभा के अंदर तमाम माननीय 81 विधायक पक्ष और विपक्ष सबके समक्ष इस बातों को रखेंगे
कि पत्रकार कल्याण कोष को बनाने के लिए इस प्रारंभिक समय में आपका यह अमूल्य योगदान आने वाला समय के लिए एक पाथेय के रूप में खड़ा होगा। इसलिए जो जहां कर सकते हैं बेहिचक पत्रकार कल्याण कोष का निर्माण करने के दिशा में आप अपना महती और अग्रिम भूमिका निभाने का काम करेंगे।